वो तो हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बिकॉज मुद्दा सीन का ये है कि हमें अम्मा को डाइवर्ट करना है उनका माइंड, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है. तो कई बार होता है ना, जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप कुछ फनी चीजें देखते हो या कुछ मस्ती वाला देखते हो, तो कुछ पल के लिए आप उसमें खो जाते हो. तो हम भी वही चाह रहे थे कि अगर उनका टाइम स्पेंड इतना है, तो हम उसको बढ़ा के एटलीस्ट इतना कर दें कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाए, जब तक हमने जो प्लान किया वो नहीं हो जाता, तो उसी के लिए बीच में मस्ती. क्योंकि मस्ती के बाद खींचातानी जो चल रही है हम लोगों के दोनों का, वही भी स्पेशली जो हम लोग जो लेकिन उनको बहुत ही मजेदार लग रहा है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? गाने में गाना बहुत परफेक्ट है. आई लव मोहिनी, शी इज जस्ट परफेक्ट एंड शी इज अमेजिंग. शी इज स्ट्रांग, शी इज इंटेलिजेंट, एंड द फैक्ट कि शी नोज हाउ टू गिव इट बैक. मेरा क्या होता है इन रियल, अगर कोई कुछ कहता है ना, लाइक मेरा दोस्त टाइप्स, तो मैं ठीक है, आई एम वेरी लाइक मैं बहुत गुड स्पोर्ट में उस चीज़ को ले लेती हूँ, एंड आई डोंट ऑलवेज रिप्लाई. बट इसका तो मतलब तुम गुड स्पोर्ट में बोलो, बैड में बोलो, शी हैज टू गिव इट बैक एंड इवन बेटर वे में. तो वही वही कर रहे थे. ओके सो और एक बात, जो इसके पहले जो सीन जो अलाइव हुआ जो गॉड वाला था, वो बहुत लोगों को पसंद है, स्पेशली जो इमोशन है वो कनेक्ट हुआ लोगों से, तो कितना मेहनत जो था वो जो कनेक्ट जो था वो हुआ है, तो कितना मतलब. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि सबको पसंद आया और सबने कनेक्ट किया उस चीज़ से. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं एक टेलीविज़न के मीडियम से, तो हमारा एक टारगेट रहता है कि ए लोग समझें, बी अगर ये कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसके साथ ये हुआ है या जिसके साथ ये हो सकता है या जिस एरिया में ये हो रहा है, इफ़ दे चेंज जस्ट बाय सीइंग दिस कि यार किसी की गलती नहीं होती है, एंड उस चीज़ को इतना पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए. दैट वॉज आर मोटिव एंड आई होप कि कहीं ना कहीं वो पूरा हुआ हो. थैंक यू.